रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम वॉवल्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब हम कॉन्सोनेंट करेंगे। और कॉन्सोनेंट्स में हम देखते हैं कि व्हाट आर कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स किन को कहते हैं? कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आर अ कलेक्शन ऑफ टू और थ्री डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट आर ईच हर्ड व्हेन द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड। दो या तीन कॉन्सोनेंट की आवाज़ों का मरकब होता है, जब उनकी अदायगी करते हैं तो हर एक आवाज़ अलहदा भी सुनाई देती है। तो चलें प्रैक्टिस सेइंग दीज वर्ड्स अलाउड। आप मेरे साथ इन अल्फाज की प्रैक्टिस करें और ऊंचा बोलें। ये क्या है, इस तस्वीर में आपको बहुत सारे ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, तो इन ब्लॉक्स को भी इंग्लिश में भी ब्लॉक्स कहते हैं। तो इसमें BLOCKS ब्लॉक्स, तो जो BL है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, ब्लॉक्स। अगली तस्वीर में आपको एक ब्रश नज़र आ रहा है, इससे बालों में कंघी करते हैं। ब्रश में BRUSH इसके स्पेलिंग है और BR इज अ कॉन्सोनेंट ब्लेंड, ब्रश, ब्रश। और अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये एक घड़ी है, घड़ी को इंग्लिश में क्लॉक कहते हैं, और CLOCK क्लॉक में CL जो है वो एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, क्लॉक, क्लॉक। अगली तस्वीर जो है उसमें आप ड्रम देख रहे हैं, बैंड के साथ एक ड्रम बजाने वाला होता है, जो ड्रम बजाता है, ड्रम, DRUM, ड्रम। तो इसमें DR जो है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, ड्रम। इस तस्वीर में आपको एक फूल नजर आ रहा है, फूल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर, और फ्लावर में FLOWER फ्लावर, इसमें FL जो है वो है एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड, फ्लावर। अगली तस्वीर में आपको दो दस्ताने नजर आ रहे हैं, दस्तानों को इंग्लिश में ग्लव्स कहते हैं, ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स। तो इसमें GL जो है वो एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। तो जो ग्लव्स हैं वो मुख्तलिफ मटेरियल के बने होते हैं, कॉटन के, रबर के, वायर मेश के, और इनको मुख्तलिफ काम करते हुए पहनना चाहिए। आप जो भी काम करें अपने हाथों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ग्लव्स पहनकर। जैसे आप अगर फूड हैंडल कर रहे हों तो प्लास्टिक के ग्लव्स पहनते हैं, अगर आपने वॉशिंग करनी है, डिश वॉशिंग या क्लोथ वॉशिंग, तो आप रबर के ग्लव्स पहनते हैं, और अगर आपने गार्बेज कलेक्शन करनी हो तो भी ग्लव्स पहनते हैं, ताकि आपके हाथ गंदगी से महफूज रहें। इसके अलावा अगर आपने कोई हैवी काम करना है, कारपेंटिंग करनी है, या आपने कोई मैकेनिक, मोटर मैकेनिक का काम करना है, या आपने गार्डनिंग करनी है, तो भी आप ग्लव्स पहनते हैं, ताकि आपके हाथों हाथ ख़राब ना हो। इसी तरह अगर आपने इलेक्ट्रिकल वायर्स को हैंडल करना है तो भी ग्लव्स पहनते हैं, ताकि आपको बिजली ना लगे, और कटिंग करते हुए वायर मेश के ग्लव्स पहनते हैं, ताकि आपके हाथ गलती से छुरी ना लग जाए। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं, ये हैं अंगूर, अंगूर को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप्स, ग्रेप्स, GREPES, ग्रेप्स। और इसमें GR जो है वो हमारे साथ कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, ग्रेप्स। अब ये हमारे पास है हमारे सोलर सिस्टम का सियारा जोहल, सियारे को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, प्लैनेट, PLANET, प्लैनेट। हमारी ज़मीन भी एक प्लैनेट है, और प्लैनेट में PL जो है वो एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक गिफ्ट बॉक्स, जब आप पोजीशन लें तो आपको स्कूल में प्राइस मिलता है, प्राइस, इनाम, प्राइस में PR जो है वो एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है।
ये है हमारे पास स्कार्फ, मफलर को इंग्लिश में स्कार्फ कहते हैं, और स्कार्फ एस सी ए आर एफ, स्कार्फ में एस सी जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। स्कार्फ, ये हमारे पास एक तस्वीर है सांप की, सांप को इंग्लिश में कहते हैं स्नेक, स्नेक, स्नेक में एस एन ए के ई, स्नेक में कॉन्सोनेंट ब्लेंड हमारे पास है एस एन, स्नेक, स्नेक। और ये है स्लाइड, आपके प्लेग्राउंड में स्लाइड होती है, आप इसमें अपनी बारी पे स्लाइड लें, स्लाइड एस एल आई डी ई, स्लाइड, स्लाइड में हमारे पास एस एल जो है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। जब आप लकड़ियों से आग जलाते हैं तो धुआं उठता है, धुएं को इंग्लिश में कहते हैं स्मोक, स्मोक एस एम ओ के ई, स्मोक, और स्मोक में एस एम जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड है स्मोक। इसमें आपको एक चम्मच नजर आ रहा है, चम्मच को उर्दू में, चम्मच को इंग्लिश में स्पून कहते हैं स्पून, और स्पून में एस पी हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड है स्पून। अगली तस्वीर में आपको एक स्टार, सितारा नजर आ रहा है, सितारे को इंग्लिश में कहते हैं स्टार, स्टार, और स्टार में एस टी जो है वो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है स्टार। और ये है स्वान, स्वान, एक परिंदा है जो पानी में तैरता है स्वान, एस डब्ल्यू ए एन स्वान, और स्वान में एस डब्ल्यू हमारे पास है एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड। ये है कंबल, कंबल को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, और इसमें बी एल हमारे पास है एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। ये हमारे पास एक दरख्त की टूटी हुई शाख है और इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विग, टी डब्ल्यू आई जी, ट्विग, और ट्विग में टी डब्ल्यू हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। और ये हमारे पास एक ग्लास है जिसमें जूस है, ग्लास को इंग्लिश में भी और उर्दू में भी ग्लास कहते हैं जी एल ए डबल एस, ग्लास, और इसमें जी एल हमारे पास एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। और इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है एक मेंढक, मेंढक को इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉग, फ्रॉग, फ्रॉग में एफ आर जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड है फ्रॉग। प्यारे बच्चों, जो हम ये पढ़ लिख रहे हैं इसके साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं, पहचानना कि मैं कौन हूँ, मैं किस चीज़ पे ईमान रखता हूँ और मुझे जाना कहाँ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मैंने इंसान को खलीफा बनाया, इंसान अशरफुल मखलूकात है, और क्योंकि खलीफा है तो इसलिए अल्लाह ने इस ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें रखी हैं वो इंसान के ताबे कर दी हैं, और अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान भी रुका हुआ है, हमारे ऊपर नहीं गिरता। और फिर क्योंकि इसका मकसद क्या है खलीफा पैदा करने का, कि हम अल्लाह की इबादत करें। इबादत क्या है कि जो कुछ हम 24 घंटे में काम करते हैं, खाना पीना, सोना जागना, बातचीत करना, रिज़्क तलाश करना, मामलात ज़िंदगी, हर काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के किए हुए तरीके पर करेंगे तो इबादत है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन्नबी को पढ़ो,
क्योंकि हमें अल्लाह ने दुनिया में थोड़ी देर के लिए भेजा है, अल्लाह फिर हमें मौत के बाद जिंदा करेगा। और आप देखें कि जब इंसान पैदा होता है तो छोटा होने से बुढ़ापे तक कुछ लोग बड़ी उम्र में फौत होते हैं और कुछ बीच में ही दुनिया से चले जाते हैं। इसके लिए कुरान जीत पढ़ा करें ऐसी ज़बान में जिससे आपको समझ आती हो, ताकि हम अल्लाह को राज़ी कर लें, इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखरत में भी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज से आप तर्जुमे के साथ कुरान जीत पढ़ेंगे, आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।